हेलो एवरीवन, वी हैव डिस्कस्ड वेरियस टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस एंड ऑल्सो अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो लेट्स मूव इट. द फर्स्ट थिंग इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स. ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल. इट मीन्स वॉट, जैसे कि सेल एक कंप्लीट पूरी सेल्स है जो मेम्ब्रेन बाउंड है, इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट रहता है, ओके, सेल में न्यूक्लियस रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेंगे. तो एक्सेप्ट न्यूक्लियस, ऑल ओवर जितना पार्ट सेल के अंदर है, ऑल दीज थिंग्स विल बी अंडर साइटोप्लाज्म. ओके, अंडरस्टूड. मूविंग अहेड, व्हाट इज इट्स रिव्यू, मतलब कि ये होता क्या है. बेसिकली इट्स अ जेली लाइक स्ट्रक्चर. एक जेली लाइक स्ट्रक्चर रहेगा जो कि पूरी सेल को फिल कर देता है, विच इज मेड अप मोस्टली ऑफ वाटर एंड सॉल्ट. And it contains molecules which are enzymes. It is made up of 70-90% of water and usually colorless. This is the substance of a cell other than the nucleus. It means एक cell है, उसके अंदर अगर आप nucleus को side में कर देंगे तो whatever is present there, that will all these things will be considered under cytoplasm. साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ थ्री मेजर एलिमेंट्स दैट इज साइटोसोल, ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजन्स. मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज हैपेंस इन द साइटोप्लाज्म. सो बेसिकली दिस इज द फैक्ट्री एरिया ऑफ द सेल. फैक्ट्री एरिया मतलब वो जगह जहाँ पे सारे के सारे प्रोसेसेस, सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस, एंजाइम्स फंक्शंस, ऑल दैट गेट कंप्लीट देयर, दैट इज साइटोप्लाज्म. It can be asked that what are the factory area of a cell? So you will answer cytoplasm. Next thing is cell organelles. Cell organelles kya hote hain? Like as I discussed in live class also, our body is made up of organ system and there are so many organs which keep working for the smooth going of our lifestyle, our smooth going of all the biochemical activities which are occurring with us. Cell organelles are the organelles which are the subcellular identity. मतलब कि एक सेल के अंदर पाए जाने वाली ऐसी आइडेंटिटी which function something, which absorb something, which do something, which synthesize something, which react on something, all these things are known as cell organelles. And all cell organelles like endoplasmic reticulum, lysosome, chloroplast, all these things have a special function just like the organs of our body. एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो हमारे सेल के organs हैं, these all things are called organelles. This definition is extremely important, so do not forget to write it down. Then what all are cell organelles? Like endoplasmic reticulum, you can see this from the page number 63, 64, 65, 66. Here the all cell organelles, the important cell organelles are discussed, like endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria, plastids, vacuoles, all these things. Moving ahead, endoplasmic reticulum. So basically endoplasmic reticulum looks like this. What is its function and where it is located? This is present almost in all eukaryotic cells. Jitni bhi eukaryotic cells rehti hain, ye mostly present rehte hain. And these are found to be absent in mature erythrocytes. It means jo cells jyadatar usually mature ho jati hain, like ova, embryonic cells, they seems to be absent there. And ER mostly occupies most of the surface area of cytoplasm. जैसे कि एक सेल का मोस्टली इस हिस्सा जो साइटोप्लाज्म ने कवर किया, और उस साइटोप्लाज्म का जो मोस्ट हिस्सा है उसको कौन कवर कर रहा है, डेट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम.
व्हाट आर देयर फंक्शन, इसका मेन फंक्शन ये है कि ये मेम्ब्रेन को बनाता है और कई बायोसिंथेसिस फंक्शंस को कंप्लीट करता है। हाउ इज इट स्ट्रक्चर, ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स कनेक्टेड रहेंगे, सेकेंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे राइबोसोम्स नहीं रहेंगे। यू कैन सी कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें यहाँ पे ये जो लैमिनिन जो स्ट्रक्चर बना हुआ है देयर इज एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, और जो यहीं बगल में आप देख सकते हैं देयर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देयर पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। सो दिस इज द लास्ट डिजाइन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंड रफ ER? ER इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द रफ ER हैज राइबोसोम ऑन इट्स आउटर साइड, वाइट स्मूथ ER में राइबोसोम्स एबसेंट रहेंगे। रफ ER क्या करता है, साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन डेस्टिनेशन, मतलब कि क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स है, आपको राइबोसोम्स के बारे में भी आगे पढ़ाया जाएगा, राइबोसोम्स इज मेनली इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी एक काम है, मोस्टली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कि ये साइट प्रिपेयर करते हैं वेयर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कुड बी पॉसिबल। देन स्मूथ ER, यहाँ पे राइबोसोम्स बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं है, नहीं प्रेजेंट है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका प्रोटीन सिंथेसिस वाली चीज़ नहीं होगी। दीज ऑल थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। अगर शॉर्ट में बात की जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर आर द मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स, आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, इट मीन्स इनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, एंड विच फॉर्म अ नेटवर्क, नेटवर्क मीन्स ऑल दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। दीज ऑल आर सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स, मतलब कि डबल लेयरिंग नहीं है मेम्ब्रेन की, सिंगल मेम्ब्रेन की ही स्ट्रक्चर है। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कई पार्ट्स होते हैं, दैट पार्ट्स आर नॉट फॉर क्लास 9, दैट विल बी एक्सप्लेन इन क्लास 11 एंड सो ऑन। सो दीज ऑल आर, मैं उसको आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, ये होते हैं ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और सिस्टर्नी। दीज ऑल थिंग्स कंस्टिट्यूट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम का मेनली किस लिए कंसिडर किया जाता है, दिस इज कंसिडर एज द कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन अलॉन्ग विथ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। जैसे कि आपकी बॉडी का स्केलेटन होता है ना टू सपोर्ट द ऑर्गन सिस्टम, सेम लाइक दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, वो भी एक पार्ट माना जाता है साइटोस्केलेटन का, मतलब कि सेल का अगर कोई स्केलेटन बनेगा तो उसका मैक्सिमम पार्ट जो रहेगा डैट विल बी कवर्ड बाई ER। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ER, वन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, सेकेंड रफ एंडोप्लाज्मिक। जो ER मेम्ब्रेन होती है डैट इज यूजुअली थिनर देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो आप सीधे समझ सकते हैं कि बिकॉज दिस इज एन ऑर्गेनेल, सो दिस इज बेसिकली थिनर देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टाइप्स आर क्लियर टू यू, एंड दिस इज कंपोज ऑफ टू लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड सेल्स। अगेन लास्ट पॉइंट, इट्स फंक्शन दैट इज द मैन्युफैक्चर मेम्ब्रेन एंड परफॉर्म मैनी बायोसिंथेसिस फंक्शन। अगर चूँकि इट हैज़ टू पार्ट्स, इसलिए आप ये भी, ये जो इनके फंक्शन है रफ ER के और स्मूथ ER के, इसको भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन में लिख सकते हैं। इट मीन्स यू कैन राइट दैट इट प्रोवाइड्स साइट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फॉर सिक्रेशन, एंड यू कैन ऑल्सो राइट दैट दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर लिपिड मेटाबोलिज्म, एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिटॉक्सीफाइंग ऑफ मैनी ड्रग्स। मैनी ड्रग्स डिटॉक्सीफाइंग का मतलब ये होता है, कई बार जो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह रहते हैं उसको, उससे बॉडी की डिटॉक्स करने के लिए भी दीज SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क्स देयर। ओके, सो मूविंग अहेड आफ्टर दिस, देयर इज गॉल्जी अपैरेटस। What is Golgi apparatus? It's a system of folded tube-like structure which is usually not attached to the nucleus. What's this function? It packages things that are made up in the cell to be transported to the other organelles. Basically, जो packaging का कार्य है, मतलब कि अगर कोई एक चीज़ है, if
अ सेल सिंथेसाइज समथिंग एंड इट हैज़ टू सेंड इट टू द अनदर सेल. सो द वर्क, जैसे कि आपको किसी को गिफ्ट देना रहता है तो आप उसके ऊपर रैपर वगैरह लगा के देते हैं ना, उसी तरह से यहाँ का जो पैकेजिंग का वर्क है सेल का, डेट ऑल थिंग्स आर गेट कंट्रोल्ड बाय गोल्जी अपैरेटस. इट यूज टू ट्रांसपोर्ट द थिंग्स विच आर मेड अप इन अ सेल टू द अनदर सेल विद द फंक्शन ऑफ एंजाइम्स, लिपिड्स एंड हार्मोन्स. दिस इज इट यूजली मोडिफाइज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. इट प्रोसेस materials to be removed from the cells, make and secrete mucus, package product into vesicles for transport. Vesicles are tube-like structures which are used to, जैसे कि दो connecting tube तरह की आप समझ लिए दो cell के बीच में, तो it sends the products into that vacuole, ताकि in that vesicles, so that it can be transport from one cell to another. Its main fungus is only transportation. After that, there is the lysosome. Lysosomes, what are the lysosomes? These are the organelles which are responsible for breaking down cellular waste. See, lysosomes are quite useful also and it's quite dangerous also. कैसे? क्योंकि एक तो ये है कि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है ये इसको ब्रेक डाउन करते हैं. दे आर फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स which helps to many enzymes to work and also to break down the large molecules into the smaller one. Moving ahead, the main function of the lysosome is to break down the unwanted macromolecules. So breaking down of unwanted macromolecules is the main function. But यहाँ पे कभी कभार लाइसोसोम्स में क्या होता है कि इट बिकॉज इट कंटेन लाइटिक एंजाइम्स विच इज़ यूज टू ब्रेक डाउन, तो फिर कभी कभार ऐसा क्या होता है कि ये जो लाइटिक एंजाइम्स रहते हैं विच आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेल एंड अनवांटेड मटेरियल्स, मतलब कि ये सेल्स को डाइजेस्ट भी कर सकता है और कुछ अनवांटेड हो तो उसको रिलीज भी कर सकता है. इसमें ऑटोलिसिस हो जाती है, ये बर्स्ट हो जाता है. ऑटोलिसिस मतलब ये इसके अंदर खुद से ही ये खुद को ख़त्म करने लग जाता है और इसकी बर्स्टिंग हो जाती है जिससे कि पूरी की पूरी सेल ख़त्म हो सकती है. इसीलिए हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ सेल. वाई? बिकॉज इट कंटेंस लाइटिक एंजाइम्स विच इज कैपेबल टू ब्रेक डाउन मटेरियल्स. लाइटिक एंजाइम्स है जो कि ब्रेक डाउन कर सकता है बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स को छोटों में. लेकिन यहाँ पे कभी कभार ऐसा होता है कि इसकी ऑटोलाइसिस होने लग जाती है. ऑटोलाइसिस मतलब ये खुद को ही ख़त्म करने लग जाता है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को ख़त्म करते करते. समटाइम्स देयर इज ऑटोलाइसिस अकर एंड इट स्टार्ट ब्रस्टिंग अप. ये ब्रस्ट होके सेल को ही डिजॉल्व करने लग जाता है, सेल को ही ख़त्म करने लग जाता है. दैट्स वाई दिस इज नोन एज लाइसो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. सो दीज ऑल थिंग्स विच वी हैव डिस्कस टूडे अप टू द लाइसोसोम. एंड रेस्ट पार्ट्स आर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स एंड सेल डिविजन. वी विल एबल टू कम्प्लीट दिस सून एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू द एक्सरसाइज पार्ट. अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन रह गया हो सो प्लीज़ आस्क मी.